आपको बता दें, केंद्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की बिहार सरकार की गुजारिश को स्वीकार कर लिया है। वहीं अब इस मामले की जांच के लिए सीबीआई ने भी कमर कस ली है। शुक्रवार को जहां सीबीआई ने बिहार पुलिस से केस से जुड़े सबूत हासिल किए, वहीं अब खबरें आई हैं कि सीबीआई ने इस केस में पूछताछ करने वालों की लिस्ट भी बना ली है। चलिए डालते हैं उस लिस्ट पे नजर। इस लिस्ट में पहला नाम सुशांत के पिता केके सिंह का आता है। सीबीआई सुशांत के पिता से कई तरह के सवाल कर सकती है। वो केके सिंह से रिया को लेकर दिखाई गई एफआईआर के बारे में पूछेंगे कि आखिर कब उन्हें लगा कि रिया की वजह से सुशांत सुसाइड किया। ऐसे कई सवाल सीबीआई उनसे कर सकती है। वहीं आपको बता दें, सीबीआई बिहार पुलिस के वो चार जवानों से भी पूछताछ करेगी जिन्होंने मुंबई आकर सुशांत केस की जांच की थी। खबरें हैं कि सीबीआई उनसे ये जानना चाहती है कि आज जिन लोगों से उन्होंने पूछताछ की, वो आपको किसी के दबाव में लगे या फिर वो कुछ और भी कहना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। इसके बाद सीबीआई का अगला कदम सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर होगा। सीबीआई इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हॉस्पिटल में भेज सकती है। इसके साथ ही वो इस पर कई डॉक्टर्स की राय भी लेगी। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई की टीम सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा, रिया और केस से जुड़े कई लोगों की कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालेगी। इससे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर दिशा और सुशांत के निधन से पहले और बाद में कौन कौन से कॉमन लोग थे जो इन लोगों के आपस में जुड़े हुए थे। इन सबके लिस्ट तैयार करने के बाद उनको समन भेजा जाएगा। वहीं बता दें कि टीम सुशांत की दवाइयों की लिस्ट बनाएगी और सुशांत के उन डॉक्टर से भी बात करेगी जिससे एक्टर अपना मानसिक इलाज करवाते थे। इसके जरिए टीम जानना चाहती है कि सुशांत किस तरह के मानसिक दबाव में थे। यही सब हम सब जानना चाहते थे कि आखिर कौन सी दवाइयां खिलाई जाती थी, किस तरह के दबाव में थे और आखिरकार वो हो रहा है जो सब चाहते थे। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ रिपोर्ट्स।